नमस्कार दोस्तों, और आप देख सकते हैं मैंने ये टू गुड सिम आया है जो कि 7699 में मेरे को पड़ा है, और ये सैमसंग का गैलेक्सी A30 मोबाइल है। तो अभी मेरे को डिलीवर हुआ है, तो अभी अपन उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अभी ये सील पैक है, आप देख सकते हैं, देखिए आप सील पैक है एकदम। तो चलिए इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर देता हूँ आपके सामने, और फिर मैं दिखाता हूँ कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। सबसे पहले मैं इसकी सील ब्रेक कर देता हूँ, ये वाली भी कर देता हूँ। ये दो मैंने कर दी दोस्तों, एक बीच में से और है, इसको भी मैं कर देता हूँ। ये कर दी मैंने, और अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ देख सकते हैं, पहले अपन को मिलता है ये बिल, जिसमें कि आप रेट देख सकते हैं, सॉरी आप देख सकते हैं 7699। इसको रखता हूँ साइड में, ये बॉक्स मिलता है कुछ इस तरह, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। और इसके बाद उसको इस पर पन्नी चढ़ी हुई है, आप देख सकते हैं, तो इस पन्नी को भी मैं रिमूव कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो मैंने पन्नी रिमूव कर दी, अपन इसको उसमें निकालते हैं अभी। तो आप देख सकते हैं अभी इसमें दो सील और लगी हुई हैं, हम उनको भी रिमूव करेंगे आपके सामने, आप देख सकते हैं। इसको रिमूव कर दी मैंने, और ये है, इसको मैंने रिमूव कर दिया। और फिलहाल अब हम चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो ये दोस्तों आपका डिवाइस जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, और इसको भी एक बार हम साइड में रख देते हैं कुछ इस तरह। और सबसे पहले ये टू गुड का है, इसमें ये लिखा है डिस्चार्ज द डिवाइस फॉर एट लीस्ट 2 आवर बिफोर यूज, इसको यूज करने के 2 घंटे बाद आप इसको चार्ज करें। तो उसको साइड में रखते हैं और अंदर देख लेते हैं इसमें, और तो पेपर से दी हुई उनको रख देता हूँ साइड में। और इसमें सिम एडेप्टर टूल है, देख सकते हैं, और कुछ नहीं है। और एक फ्लिपकार्ट का चार्जर है, इसकी रेटिंग की अगर बात करूँ तो ये 5 वोल्ट एंड 2 एम्पियर, जैसा कि आप देख सकते हैं 5 वोल्ट 2 एम्पियर का है। तो और एक टाइप सी डाटा केबल है, सॉरी आप देख सकते हैं टाइप सी की डाटा केबल है कुछ इस तरह, आप देख सकते हैं टाइप सी की। तो इनको साइड में रखता हूँ दोस्तों में, और मैं चलता हूँ अपने सॉरी फोन की तरफ। ये फोन है, तो इस तरह कुछ दोस्तों हमारा फोन है, जिसको मैं निकालता हूँ एक बार। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह है, और स्क्रैचेस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को फिलहाल तो कोई अभी नहीं लगा है, थोड़ा बहुत नीचे मुझे दिखाई दे रहा है, और शायद वैसे ही होगा। तो यहाँ पे भी ये थोड़ा आप देख सकते हैं, ये आप डॉट से आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा हूँ कैमरे में, दो डॉट से हैं यहाँ पे। और फिलहाल मैं डिवाइस को ऑन कर देता हूँ, आप देख सकते हैं डिवाइस हमारा ऑन हो चुका है। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने और भी कई वीडियो बनाई हुई है, जैसा कि आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने सैमसंग गैलेक्सी A20 की वीडियो बनाई है, और रियलमी बड्स एयर की वीडियो बनाई है, रियलमी C2 की और रियलमी 2 की, और भी कई आप वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो एक बार प्लीज चैनल पर जाकर जरूर विजिट करें, और आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आज आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं इसका फुल रिव्यू भी लाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको मिलता, तो तक आप वीडियो बने रहें और लाइक करते रहें, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दोस्तों आपने इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग देखी, जो कि अभी अनबॉक्सिंग मैंने की थी इसकी। तो इसमें आप देख सकते, वैसे तो मुझे कुछ नहीं लगा, ये बैक कवर जो अलग से लगाया गया है, आप इसकी यहाँ पे वो देख सकते हैं, इस पर गम लगा हुआ है, आप जिस तरह मोबाइल में शो नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं गम लगा हुआ है। और आप इसकी ईयर पीस में देखिए आप कितनी मिट्टी भरी हुई है, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। और फिलहाल जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं इसको रिटर्न डाल रहा हूँ, वो इसका कैमरा है, मैं आपको खोल के दिखा दूँ।
आप देख सकते हैं कैमरे में, शायद आपको वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसे देख सकते हैं आप, बगल में इसमें ब्लर की प्रॉब्लम है। फोटो इसमें मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखो इसमें फ़ोटो क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा ब्लर सा हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं इसको रिटर्न डाल रहा हूँ।